वाराणसी से विकास शर्मा पत्रकार की रिपोर्ट। कानून सिर्फ अंबानी और अदानी जैसे पूंजीपतियों के लिए है। ओम प्रकाश राजभर। देश के प्रधानमंत्री अंबानी और अदानी के चौकीदार के रूप में काम करते हैं। ये बयान प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान सर्किट हाउस में बताया। कृषि सुधार कानूनों को लेकर पूर्व मंत्री ने बताया कि ये कानून सिर्फ अंबानी और अदानी जैसे पूंजीपतियों के लिए है। बीते दिनों एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात को लेकर बताया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में आने के बाद अब ये मोर्चा और मजबूत हो चुका है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से प्रदेश में सरकार विद्यालयों का निरीक्षण न करने देने पर बताया कि प्रदेश सरकार शिक्षा के नाम पर कोई भी काम नहीं करता, बल्कि सिर्फ टीवी चैनलों पर ही अपने गुणगान गाते दिखाई देते हैं। बाइट ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। नेताजी, काशी में पुनः आप आए, स्वागत है। मैं काशी का रहने वाला हूँ तो पुनः आने का सवाल ही नहीं। नहीं, पदार्पण हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, स्वागत है। हाँ, ये बात आपकी जायज है। क्या रहा आज? देखिए, मैं जो कुछ भी करता हूँ आपके सामने करता, हमारी जो नीयत है भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हमने बनाया, आप लोगों के सामने बताया भी कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती किशरा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, हम 8 लोग मिलकर के मोर्चा बनाए। साल भर हम लोग चले। अभी 16 दिसंबर को पार्टी में माननीय ओवैसी जी को हम लोगों ने शामिल किया, जिसको आप लोगों ने भी चैनलों पर खूब चलाया। और प्रदेश में ओवैसी जी के आने से भागीदारी संकल्प मोर्चा को बड़ी ताकत मिली है। जो हम लोगों की सोच है कि देश में समान शिक्षा हो और निःशुल्क शिक्षा स्नातकोत्तर तक, इस इशू को लेकर के हमारे नव दल के लोग तैयार हैं। दूसरा हम लोगों का है निःशुल्क स्वास्थ्य, गरीब कमजोर वंचितों को निःशुल्क स्वास्थ्य। तीसरा हम लोग घरेलू बिजली का बिल, जो घर में पंखा और बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं गर्मी में, ऐसे गरीबों के घरों का जो बिजली का बिल है, 22 में सरकार बनाकर हम लोग उनका 5 साल बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं। हम प्रदेश में रोजगार देना चाहते हैं। आज किसान आलू पैदा करता है तो उसका रेट 5 रुपया किलो हो जाता है, जब वही आलू अडानी और अंबानी जैसे लोग खरीद लेते हैं तो वो आलू का बनाते हैं चिप्स और 20 रुपये का 50 ग्राम, मतलब 400 रुपया किलो। तो ये किसान के बेटे क्यों नहीं उस फैक्ट्री को खोलेंगे? सरकार बना करके हम फैक्ट्री खोल करके चिप्स की हम 200 रुपया किलो बेचेंगे, अडानी और अंबानी का चिप्स नहीं बिकेगा, हमारा चिप्स, हमारा किसान, हमारा नौजवान, हमारे लोग खरीद करके उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके पीछे हजारों लाखों लोगों को रोजगार और नौकरी मिलेगी। गेहूं 19 रुपया किलो है, पिसाई 1 रुपया 20 रुपया हो जाता है, 4 रुपया 3 रुपये की पैकेट आते हैं थैली, पैकिंग करके 45 रुपया में रामदेव जी बेच रहे हैं। हम फ्लोर मिल लगा करके हजारों नौजवानों को रोजगार बनारस में दे सकते हैं। हम 45 रुपया वो बेच रहे हैं, हम उसको 30 रुपया बेचेंगे, तब भी हम युवाओं को रोजगार भी देंगे और उस आटे को हमारा गरीब कमजोर आसानी से खरीद भी लेगा, उसको सस्ता मिलेगा। ये चीजें हम लोग चाहते हैं। तो अभी सरकार के पहले ट्रायल करेंगे क्या, ये सब शोध करेंगे, एक बार ट्राई करके देखेंगे सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं? 2022 में सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद हम आपको 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सभी 1,59,000 प्राथमिक विद्यालयों में टाट हटा देंगे। 6 महीने के अंदर डेस्क और मेज लगवा देंगे। 6 महीने अभी डेस्क मेज नहीं लगी है, कहाँ लगा, दिखा दीजिए। वर्तमान सरकार में आप भी थे। देखिए, यही तो झगड़ा था ना, हम कहते थे कि भाई चल चलो। अभी आपने देखा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री देखने आए कि दिखा दो, तो उन्हीं को पकड़ लिए सर बन के, नहीं हम नहीं दिखा सकते। ये टीवी पर खूब बोलते हैं भाजपाई, लेकिन जब धरातल पे जाना होता है तो भाग खड़े होते हैं। जिसका उदाहरण मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि मैं भी विद्यालय बनाया हूं, मैं भी सरकार चलाया हूं, मैं भी शिक्षा मंत्री हूं। तो अगर आपके प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने न्योता दिया कि आओ हमारा विद्यालय देख लो,
तो वो आए तब शिक्षा मंत्री को तो आगे जा करके उनका स्वागत करना चाहिए माला लेके कि चलो मेरा ये विद्यालय है आप देख लो। भाग खड़ा हुए मंत्री हमारे शिक्षा मंत्री, इसका मतलब कि कहीं पोल न खुल जाए, तो उन्हीं को घेरवा दिए जो सरकारी गुंडे हैं, सरकार के सरकारी गुंडों से घेरवा दिए। तो ओम प्रकाश जी माना जाइए केजरीवाल जी भी मोर्चा में शामिल होंगे इस बार? देखिए हमारे मोर्चे का दरवाजा एकदम खुला रहता है, जैसे आप लोग आए ना बंद नहीं ना है, हमारा मोर्चा खुला है। हम लोग दो लोग शुरू किए, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा है और हम शुरू किए धीरे 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 धीरे। आपने कोई उम्मीद नहीं किया था कि ये मोर्चा इतना हलचल पैदा करेगा। ओवैसी जी आए हैं, हमारा प्रयास जो भी प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, समान शिक्षा, रोजगार, बिजली का बिल माफी के सवाल पे जो लोग भी आना चाहे सबका स्वागत। केजरीवाल जी भी यही कर रहे हैं तो उनको भी लेंगे, एक बार जाएंगे बैठेंगे उनके साथ। अब भाई आपने देखा कि मैं संजय सिंह से मिला, बातचीत हुई, केजरीवाल जी से भी बातचीत हुई, शिवपाल जी से भी बात हुई। हम सबको प्रयास हमारा है कि समान विचारधारा के लोग मोर्चे में शामिल हों, हम लोग मिलकर के चुनाव। ओम प्रकाश जी किसान आंदोलन